सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के प्रशिक्षा नियंत्रक एवं फिजिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण आगमकर ने आज आत्महत्या कर ली। आगमकर ने यूनिवर्सिटी परिसर में स्थित अपने सरकारी आवास के बाथरूम में फंदा लगाकर आत्महत्या की है। इस घटना के बाद पूरा यूनिवर्सिटी प्रशासन हिल गया। घटना की सूचना मिलने के बाद नागरिक अस्पताल में विश्वविद्यालय के शिक्षकों का जमावड़ा लग गया। शिक्षकों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा आगमकर पर दबाव था, जिसके चलते उन्होंने सुसाइड किया। हमें तो आपस में किसी ने टेलीफोन करके बताया भाई ऐसे ऐसे जो है प्रवीण आगमकर जी ने जो है सुसाइड कर लिया है और जो है हॉस्पिटल में है। उसके बाद हम यहाँ आए। अभी तो कहते हैं डॉक्टर से हमारी बात हुई, डॉक्टर कहते हैं कि ब्रो डेड है। जब हमारे पास आया तो उसी टाइम उसकी डेथ हो चुकी थी। देखो अभी तक कुछ नहीं पता है क्योंकि उनकी वाइफ यहाँ आई हुई है, लेकिन वो जो है अभी स्थिति में नहीं है कि कोई बात कर सके क्या बात है क्या नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी में जो है वैसे तो प्रोफेसर हैं फिजिक्स के, लेकिन इनके पास कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन का विचार था। दबाव की बात तो नहीं पता जी, हमें इतना जरूर पता लग गया था आपस में कि भाई इन्होंने कंट्रोलर के पद से रिजाइन कर रखा था। ये अथॉरिटी से बहुत तंग थे, काफ़ी तंग थे, और जो है जब भी मिलते जुलते थे ये कहते थे, किसी से मिलते थे और भी बहुत लोगों से मिलते थे कि भाई मेरा इससे पीछा छुड़वाओ कंट्रोल एग्जामिनेशन से। और अब सुनने में ये आया है कि भाई इसको अल्टीमेटम दे रखा था कि भाई कल रिजल्ट डिक्लेयर करना है, हैं, और स्टाफ इसके पास था नहीं, तंग बुरी तरह था। तो ये चीज़ें जो है ज़रूर हमारे उसमें आई हैं, बाकी सारी बातें तो बाद में ही पता लगेंगी। हाँ था, रिजाइन दे रखा था ये सुनने में आया है, और जो है तंग था। देखो जी, हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष एजेंसी से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आदमी जब ऐसा कोई कदम उठाता है तो उसके पीछे जो है बहुत बड़ा कारण मतलब जो है होता है, क्योंकि आदमी अपनी ज़िंदगी का अंत कर रहा है, वो भी प्रोफेसर लेवल का है, सारी चीज़ों से जो है वाकिफ है। तो एक निष्पक्ष एजेंसी से इसकी जाँच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। देखो जी, वैसे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर था हमारे आपस में साथियों में जो ये थे, प्रशासन का पूरा दबाव था उनके ऊपर, खासकर जो है कुलपति का बहुत ज़्यादा दबाव था कि अब मुझे आज रिजल्ट चाहिए, कल रिजल्ट चाहिए, और उसको सुविधा मुहैया नहीं कराते थे। हमारे पास कई बार जब भी रूटीन में मिलते थे वो कहते थे कि मेरा इस पोस्ट से पीछा छुड़ाओ। तो हमारे को ये होता था कि रूटीन में आदमी छोटा मोटा तंग होकर के कही देता है, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा इसे तंग है या ऐसी कोई बात है। बाद में यूनिवर्सिटी में उपकुलपति कार्यालय पहुंचे, यहां पर कुछ शिक्षकों की उपकुलपति से नोकझोंक भी हुई और शिक्षकों ने जमकर बवाल काटा। ये डॉक्टर प्रवीण जो देवलाल यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है, उनकी मौत की सूचना पाने पर मैं हॉस्पिटल आया हूँ और अभी उसके परिवार वालों को सूचित किया है, और परिवार वालों ने कहा कि हमारे आने के बाद ही कार्रवाई करें प्लीज। तो उनके इंतजार के, इनके वारिसों की इंतजार हो रही है, वारिस आने पर जो लीगल कार्रवाई होगी की जाएगी। फिलहाल पुलिस मृतक प्रोफेसर के परिजनों के आने के बाद आगामी कार्यवाही करेगी। सबसे पहले तो मेरे परिवार में एक ये दर्दनाक हादसा हुआ है, हम जो है कि उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं, हम उनकी जो कार्रवाई है वो करेंगे। अभी मैं मेडिकल से सीएमओ साहब ऑफिस से मिलकर आया हूं और मैं हॉस्पिटल में ही था वहां पर, और उनकी जो दूसरी कार्रवाई है उनका मैं एड्रेस लेकर के उनके घर वालों को मैसेज देने के लिए बॉम्बे से, वो थे छत्तीसगढ़ थे, जांच देखिए, जांच अगर सीबीआई की जरूरत होगी इंक्वायरी वो रिपोर्ट आने दो उनकी पोस्टमार्टम की, अगर उसकी डिमांड होगी और उसकी उसकी जरूरत होगी तो जरूर करवाएंगे।